नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से आप देख लीजिए। आज हम आपके लिए सुपर एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं। आज तक की टीम चीन बॉर्डर पर पहुंच गई है और फॉरवर्ड एयरबेस से आज तक के संवाददाता मनजीत सिंह नेगी ने सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। चीन के विस्तारवादी इरादों को भारत कैसे ध्वस्त करेगा, ये सब आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। यहां आपको बताते चलें कि आज तक की टीम ने रिपोर्टिंग के दौरान इस बात का पूरा ख्याल रखा है, ध्यान रखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारियों को सार्वजनिक ना करें। हम आपको संवेदनशील जानकारियां नहीं देने जा रहे, क्योंकि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में आपको भारतीय सेना का वीर रस देखने को मिलेगा। एक और बड़ी खबर यह भी है कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए हैं और चीन के साथ अमेरिका का तनाव अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। अमेरिका उसी इलाके में युद्धाभ्यास कर रहा है जहां चीन अपने पड़ोसियों को धमकाने के लिए दूसरे युद्ध अभ्यास में जुटा हुआ है। आज दक्षिण चीन सागर में टकराव की आग नजर आ रही है, इसका विश्लेषण भी बेहद जरूरी है। वहीं बड़ी खबर, चीन और रूस की दोस्ती जगजाहिर है। कोरोना संकट के इस दौर में पुतिन ने जिनपिंग और चीन को लेकर एक खास तरह की चुप्पी बनाए रखी, लेकिन चीन की विस्तारवादी भूख रूस की जमीन को निगलना चाहती है। चीन ने रूस के व्लादिवोस्तोक शहर पर दावा किया है। चीन ने कहा है कि रूस के इस शहर का असली नाम हाइशेनवाई है। चीन के अंदर जमीन हड़पने की भूख कभी कम क्यों नहीं होती और वो दोस्तों की जमीन पर भी किस तरह से कब्जा कर लेता है, इसका विश्लेषण आज हम आगे करेंगे। और अच्छी खबर, चीन की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दुनिया में कोरोना बीमारी कैसे फैली, इसका पता लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की टीम अगले हफ्ते चीन जाएगी। ये बीमारी चीन के वुहान से दिसंबर 2019 में फैलना शुरू हुई थी। चीन पर इस वायरस के बारे में समय पर जानकारी न देने का आरोप है। पूरी दुनिया ने चीन को इस बात का दोष दिया है कि उसने समय पर जानकारी नहीं दी, इसीलिए सिर्फ 2 महीने में ये महामारी बन गई। WHO ने दावा किया है कि इस बीमारी के बारे में पहली जानकारी उसने दी थी, चीन ने नहीं। चीन में मौजूद स्थानीय WHO ऑफिस अब इस मामले में अलग अलग संस्थाओं के बयान देगा। ये जांच 6 महीने से भी ज्यादा समय तक चलेगी और यकीनन जांच के बाद क्या रिपोर्ट आती है, इसका इंतजार रहेगा। और अब आपके काम की खबर, और वो ये है कि IIT दिल्ली का नया रिसर्च सामने आया है जिसके मुताबिक ब्लैक टी, ग्रीन टी और हरी टिक्की में एंटीवायरल खूबियां पाई गई हैं। शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस के प्रोटीन पर 51 औषधीय पौधों का असर देखा। शरीर में कोरोना वायरस इस प्रोटीन के सहारे अपनी संख्या बढ़ाता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक चाय और हरी टिक्की में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कोरोना के प्रोटीन को रोकते हैं। जल्द ही इस रिसर्च के आधार पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो जाएगा। लेकिन शुरुआत करते हैं खबरदार की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ। चीन बॉर्डर पर पहुंचा आज तक। फॉरवर्ड एयरबेस पर भारत की शक्ति और पराक्रम का ट्रेलर। युद्ध के मौके पर कैसा होगा भारत का वायु प्रहार। सुखोई और MiG-29 की गर्जना से कैसे कांपेगा चीन। अपाचे और चिनूक की आवाज सुनकर चीन का दिल बैठ जाएगा। वायुसेना के फाइटर पायलट्स का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। दुश्मन को इंप्रेशन देने वाली तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी के लद्दाख दौरे के तुरंत बाद आज तक की सुपर एक्सक्लूसिव बॉर्डर रिपोर्ट। जब चीन के साथ दशकों का सबसे बड़ा संकट खड़ा हुआ है, जब चीन के खिलाफ भारत का राष्ट्रीय स्वाभिमान हुंकार भर रहा है, तब भारत के वीर सैनिक भारत माता की रक्षा का प्रण लिए मैदान में डटे हुए हैं। आज तक चीन बॉर्डर पर वायुसेना के फॉरवर्ड बेस से आपके लिए एक सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आए हैं। इस रिपोर्ट में फॉरवर्ड बेस पर तैनात भारत की वायु शक्ति की पूरी झलक है। आज तक संवाददाता मनजीत नेगी एक ऐसे ही फॉरवर्ड एयरबेस पर पहुंचे
इस एयरबेस का नाम हम आपको राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के मद्देनजर नहीं बता रहे हैं। वहां उन्होंने भारत की वायुसेना की तैयारियों को समझा है, देखा है, परखा है। आप भी देखिए। भारत माता की वंदे। 15 जून को गलवान घाटी में चीन और भारतीय सैनिकों की खूनी भिड़ंत के बाद लद्दाख में एलएसी पर वायुसेना हाई अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फॉरवर्ड बेस पर जाकर चीन को सीधी चुनौती दी है। ऐसे में भारतीय वायुसेना के विमान सरहद पर गरज रहे हैं। वायुसेना ने इस इलाके में कई लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने चीन से लगने वाली सरहद पर एक फॉरवर्ड एयर बेस पर जाकर वायुसेना की तैयारियों का जायजा लिया। इस फॉरवर्ड एयर बेस पर सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं सुखोई लड़ाकू विमान की गर्जना। चीन से निपटने के लिए वायुसेना ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है, और अगर लड़ाकू विमानों की बात करें तो सुखोई लड़ाकू विमान से लेकर मिराज 2000, आने वाले दिनों में रफाल लड़ाकू विमान भी भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। और इस मौके पर खासतौर से जब हम चीन से लगने वाले सरहद के एक फॉरवर्ड बेस एयर बेस पर मौजूद हैं तो वायुसेना दिन और रात लगातार चीन की हर हरकत पर नजर रख रही है। चीन सरहद पर वायुसेना के इस फॉरवर्ड एयर बेस पर जबरदस्त हलचल दिखाई दे रही है और वायुसेना के लड़ाकू विमान लगातार गश्त लगा रहे हैं। विमानों से सैनिकों और सामान को लद्दाख के अलग अलग इलाकों में भेजा जा रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाने वाले MiG-29 विमान की झलक, जो चीनी सरहद पर दुश्मन को दहला रहा है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान MiG-29 लड़ाकू विमान ने अहम भूमिका निभाई थी और इस वक्त ये चीन सरहद पर तैनात है। दो इंजन वाला ये पावरफुल लड़ाकू विमान दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्त नाबूद कर सकता है। वायुसेना के इस फॉरवर्ड एयर बेस से चीन पर नजर रखने के लिए मल्टी रोल कॉम्बैट मिराज 2000, सुखोई 30 और जगुआर की भी तैनाती की गई है। ये सभी लड़ाकू विमान हथियारों से लैस होकर उड़ान भरकर निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा चीनूक हेलीकॉप्टर को लद्दाख में तैनात सैनिकों के लिए खाद्य और रसद सामग्री पहुंचाने के लिए लगाया गया है, जबकि अपाचे हेलीकॉप्टर को दुश्मन पर धावा बोलने के लिए लगाया गया है। चीन से लगने वाली भारत की सरहद पर भारत के हजारों सैनिक तैनात हैं, जिनके लिए वायुसेना अहम भूमिका निभाती है, खासतौर से फॉरवर्ड पोस्ट पर सैनिकों को पहुंचाने से लेकर उनके हथियार राशन की अहम जिम्मेदारी होती है। और इसी तरह से चिनूक, अपाचे, चेतक, चीता जैसे हेलीकॉप्टर से मुश्किल हालात, खराब मौसम के बावजूद एयरफोर्स के एयर वॉरियर इन मिशन में लगातार लगे रहते हैं। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना के जवानों को हवाई सहायता प्रदान करने के लिए अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टरों को उन क्षेत्रों के करीब तैनात किया गया है जहां जमीनी सैनिकों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सरहद पर भारत और चीनी सेनाओं के बीच बढ़ते तनाव के साथ सैनिकों को फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचाना एक अहम मिशन होता है, और इस मिशन में वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर अहम भूमिका निभा रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से एक बार में 20 से 25 सैनिकों को ऊंचे पहाड़ी इलाकों की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचाया जाता है। न सिर्फ सैनिक बल्कि हथियार और रसद भी पहुंचाए जा रहे हैं, और इस वक्त जब भारत और चीनी सेनाओं के बीच तनाव चरम पर है, वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर इस पूरे इलाके में, लद्दाख के अलग अलग इलाकों में सैनिकों को रसद को और हथियार को पहुंचाने के मिशन में लगातार दिन और रात लगा हुआ है। हाल में अमेरिका से खरीदे गए चिनूक हेलीकॉप्टर चीन से लगने वाली सरहद पर सैनिकों को फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचाने और उनके लिए राशन के साथ हथियार पहुंचाने के मिशन को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, जबकि अपाचे हेलीकॉप्टर को माउंटेन वॉरफेयर के लिए बेहतरीन माना जाता है। यह है भारतीय वायुसेना का अपाचे हेलीकॉप्टर, जिसे हाल में अमेरिका से शामिल किया गया। ऐसे 22 हेलीकॉप्टर लिए गए हैं और इस वक्त अपाचे हेलीकॉप्टर चीन से लगने वाली सरहद पर तैनात है। यह हेलीकॉप्टर खास तौर से माउंटेन वॉरफेयर के लिए बेहतरीन माना जाता है, और इस वक्त यहाँ मौजूदा हालात में चीन सरहद पर खासतौर से एयर मेंटेनेंस और वॉइस यहाँ पर जो सेना तैनात है उनकी मदद के लिए यहाँ पर तैनात किया गया है। भारत के गगनभेदी वीरों की ये तैयारी चीन का पसीना छुड़ा देगी। चीन बॉर्डर पर एक फॉरवर्ड एयर बेस पर पहुंचे आज तक को भारत के सैनिकों का हौसला भी दिखाई दिया। चीन बॉर्डर पर
फॉरवर्ड एयरबेस से कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजीत नेगी आज तक। हाउ इज द जोश? हाई सर। ये एक फिल्म का डायलॉग जरूर है लेकिन भारत के वायु सैनिकों के हौसलों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने चीन बॉर्डर पर तैनात वायुवीरों से बातचीत भी की। उनकी बातचीत में भारत के सौम्य लेकिन सशक्त तेवर का परिचय है। भारत की अनुशासित सेना को सिर्फ राजनीतिक इशारे की जरूरत है। भारत के ये वायुवीर चीन को शिकस्त देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो आन मान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड ये आरंभ है प्रचंड। चीन बॉर्डर पर फॉरवर्ड एयरबेस पर भारत की हुंकार देखो। 2020 के भारत की चंकार देखो। मिराज 2000, सुखोई 30, जगुआर, अपाचे और चिनूक ये सब मिशन मोड में है। आज तक ने वायुसेना के फॉरवर्ड एयर बेस पर उन एयर वॉरियर्स के हौसले को भी समझा है जो वहां भारत माँ की रक्षा का फर्ज निभाने में जुटे हैं। एयर वॉरियर्स उन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में मुश्किल हालात के बीच दुश्मन पर कड़ी नजर रख रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा कि हाउ इज द जोश, तो उन्होंने कहा कि वायुसेना के फाइटर पायलट का जोश हमेशा हाई होता है चाहे हालात जैसे भी हों। मौजूदा हालात में सरहद पर भारत और चीनी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचकर चीन को सीधी चुनौती दी है। इस वक्त हम वायुसेना के एक फॉरवर्ड एयर बेस पर मौजूद हैं जहां पर हमारे साथ फाइटर पायलट मौजूद हैं और उनसे जानेंगे किस तरह से वायुसेना की तैयारी है। आपसे जानना चाहूंगा सर कि इस वक्त आप लोग फॉरवर्ड एयर बेस पर हैं, मौजूदा जो हालात हैं, दोनों सेनाओं के बीच में झड़प हो चुकी है, क्या तैयारी है वायुसेना की? भारतीय वायुसेना ऑपरेशंस के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वायु शक्ति जो कि युद्ध का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और इस इलाके में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमारे पास सभी चुनौतियों से लड़ने के लिए सभी संसाधन हैं और भारतीय वायुसेना हर तरीके से तैयार है किसी भी चैलेंज को मीट करने के लिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो हालात हैं सरहद पर, सभी एयर वॉरियर सेना के लोग दिन रात 24 घंटे तैनात हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हाउ इज द जोश? इस बेस पर और पूरी भारतीय वायु सेना में सभी वायु योद्धा पूरी तरीके से प्रशिक्षित हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे जोश का स्तर हमेशा ही ऊंचा रहता है एंड जैसे हमारा मोटो है, वी आर ऑलवेज टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। आज तक से फॉरवर्ड एयरबेस पर तैनात इन फाइटर पायलटों ने कहा कि मौजूदा हालात में अभी जिस तरह की चुनौतियां सामने हैं उससे निपटने के लिए एयर वॉरियर्स और लड़ाकू विमान पूरी तरह तैयार हैं। आपसे जानना चाहूंगा इस फॉरवर्ड एयरबेस का क्या रोल है, क्या भूमिका है यहाँ पर एयर मेंटेनेंस में और आगे चीजों को लेकर? यह बेस इस क्षेत्र में हवाई संचालन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बेस हम इस बेस पर सभी गतिविधियों के लिए तैयार हैं, चाहे वो युद्ध और उसके संबंधित हवाई संचालन और संबंधित किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और कोई भी चीज अगर आवश्यक हुई तो हम उसको सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से जागरूक हैं और तैयार हैं। भारतीय सैनिक चीन को जवाब देने को तैयार हैं। भारत के लड़ाकू विमान जरूरत पड़ने पर अपना लक्ष्य तय कर चुके हैं। Mi-17V5 मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी सैनिक और सामग्री परिवहन के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। चीन से तनातनी के बीच वायुसेना को मालूम है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रक्षा कवच को कम नहीं किया जा सकता। अभी भी गलवान घाटी, पेंगोंग झील और दौलत बेग ओल्डी इलाके में पहले जैसी बनी हुई है। ऐसे में भारत किसी भी स्तर पर अपनी तैनाती को कम नहीं रखना चाहता। कुछ दिन पहले वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया चीन से टकराव के बाद लेह पहुंचे थे। मौसम की मुश्किलात हैं, सामने दुश्मन बैठा हुआ है, इन तमाम चुनौतियों के बीच में यही एक खासियत होती है एयर वॉरियर की, मुश्किल हालात में कम समय में दुश्मन को धूल चटाना। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजीत नेगी, फॉरवर्ड एयरबेस आज तक।
फॉरवर्ड एयर बेस से मंजीत नेगी हमारे संवाददाता ने ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है और यकीनन हिंदुस्तान की इस तैयारी को देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा भी हो रहा होगा। इस वक्त लेह से मंजीत नेगी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मंजीत, जिस जगह पर आपकी मौजूदगी है कल वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था निर्बल शांति नहीं ला सकता, ताकत की जरूरत होती है इसके लिए, और आज हिंदुस्तान के आसमान में वायुसेना की ताकत को आपने महसूस किया, इसके संकेत और संदेश क्या माने जाए? चित्रा, बिल्कुल ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे दिल्ली से और ले पहुंचते हुए फॉरवर्ड पोस्ट पर गए और चीन को उन्होंने सीधी चुनौती दी, उस चुनौती के बाद आज हम ऐसी लोकेशन पहुंचे, ऐसे एयरबेस पर पहुंचे जो कि बिल्कुल चीन सरहद से लगा हुआ है, और उस एयरबेस पर निश्चित तौर पर भारतीय वायुसेना की तैयारियों को देखकर यह समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जिस भरोसे के साथ देश और दुनिया को के सामने इस बात को कह रहे हैं कि भारत अगर दोस्ती करना जानता है तो जवाब भी मुस्तैदी के साथ दे सकता है, और जो संदेश उन्होंने यहां पर आर्मी कमांडर्स के बीच में कहा कि चीन की चुनौती को पूरी ताकत के साथ निपटना होगा, दुश्मन को जवाब देना होगा, उसका जवाब यहाँ पर वायुसेना के तौर पर हमने देखा, सेना के तौर पर देखा, और खासतौर से आज जिस एयरबेस पर हम मौजूद थे वायुसेना की एक ताकत की एक झलक वहाँ पर हमने देखी। खासतौर से वायुसेना के जो लड़ाकू विमान हैं सुखोई मिराज 2000 मिग जैसे लड़ाकू विमान, वो दिन और रात इस वक्त भी उड़ान भर रहे हैं और पूरे हथियारों के साथ सरहद के पूरे इलाके में कहीं पर भी अगर चीन की तरफ से कोई भी हरकत होती है तो उसको समय रहते जवाब दिया जा सके। और उसके साथ ही वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर की अगर बात की जाए, चिनूक, इसके अलावा अपाचे जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर माने जाते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए मुफीद होते हैं, और खासतौर से जिस इलाके में इस वक्त भारतीय सेना वायुसेना ऑपरेट कर रही है माउंटेन के इलाके में, वहां पर वो बेहतरीन ऑपरेशन कर रहे हैं। और उसके सबसे बड़ी बात, मैन बिहाइंड द मशीन यानी कि जो एयर वॉरियर्स हैं, जो सैनिक हैं, उनका जो जोश, उनका जो जज्बा, वो देखने लायक है, क्योंकि इस मुश्किल हालात में मौसम की दुश्वारियां हैं। हमें अगर मुझे यहाँ पर दो दिन के बाद कहीं ना कहीं कोई दिक्कत परेशानी महसूस होती है, लेकिन वो लोग कई महीनों से यहाँ पर डटे हुए हैं, तो ये एक जज्बा, एक जोश और मशीन की ताकत, पायलट की ताकत और लड़ाकू विमान की ताकत को समझा जा सकता है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर आप जरा सोचिए, जहां पर ऑक्सीजन की कमी महसूस की जाती है, वहां पर हमारे ये एयर वॉरियर दिन रात लगे हुए हैं मातृभूमि की सेवा करने के लिए, और उसी की तस्वीरें मंजीत नेगी ने अपने कैमरे में कैद की हैं, जो लगातार हमारे दर्शक इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपका अनुभव खुद का क्या कहता है मंजीत, आज सुबह सुबह आप निकल गए थे रिपोर्टिंग के लिए? बिल्कुल चित्रा, आज सुबह 5 बजे हम लेह से निकले थे और करीब से 3 से 4 घंटे के सफ़र के बाद हम उस लोकेशन पर पहुंचे थे। सुरक्षा कारणों से उसका नाम हम बार बार नहीं बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम पहुँचे तो वहाँ पर ख़ासतौर से जो लड़ाकू विमान है उनकी जो उड़ान थी वो लगातार चल रही थी, चाहे सुखोई की, और हमारी शुरुआत भी सुखोई लड़ाकू विमान की उड़ान से हुई, उसके बाद मिग 29, उसके बाद मिराज और दूसरे जो लड़ाकू विमान, वो लगातार उड़ान भर रहे थे। और यहाँ पर एक तरह से ऑपरेशनल रेडियस, जब युद्ध के हालात होते हैं, ऐसी तैयारी इस वक्त वायुसेना के एयर वॉरियर्स की है, फाइटर पायलट की है, जो ग्राउंड स्टाफ है उनका है, कि बिल्कुल एक कम समय में कैसे अगर दुश्मन की तरफ से कोई हरकत होती है तो उसको किस तरह से जवाब दिया जाना है। और उसके साथ ही फॉरवर्ड पोस्ट पर जो हमारे जवान मुश्किल हालात में तैनात हैं, जो बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई में इस वक्त, चाहे गलवान का वाकया रहा हो 15 जून का, उन जवानों के लिए कैसे कम समय में उनके लिए राशन पहुंचाया जाए, उनके लिए हथियार पहुंचाया जाए, तो एक तरह से दोहरी चुनौती, दोहरी जिम्मेदारी वायुसेना की यहां पर है चित्रा, कि अपनी चीनी सेना की तरफ से अगर किसी तरह की हवाई हरकत होती है उसका माकूल जवाब दिया जाए समय रहते हुए, और दूसरा हमारे जो सैनिक जमीन पर हैं अलग अलग इलाकों में, पेंगोंग शो लेक से लेकर गलवान नाला इलाके से, पूरा अगर हम लद्दाख की बात करें, दौलत बेग उल्ड तक के इलाकों में, वहाँ पर उस हाइट में जो जवान मौजूद हैं उनको कैसे मोटिवेट रखना है, उनके लिए हथियार और राशन पहुँचाकर। और ये रिपोर्ट देखकर चीन का दिल यकीनन बैठ जाएगा, जैसा कि तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से जो कैप्चर की हैं मंजीत नेगी ने, वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दुश्मन देश को इन तस्वीरों के जरिए भारतीय वायुसेना ने क्या संदेश दिया है मंजीत?
संदेश साफ है चित्रा, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल यहाँ पर सीधी चुनौती और खासतौर से एक फॉरवर्ड आर्मी के फॉरवर्ड एयरबेस पर पहुँच कर दी थी, जहाँ पर न सिर्फ आर्मी के बल्कि वायुसेना के और ITBP यानी कि पूरे हमारे जो सुरक्षाकर्मी पूरे लद्दाख के अलग अलग इलाकों में तैनात हैं इस वक्त चीनी सेना के सामने, और उसके बाद आज हमारा जिस पूरे दिन का करीब 12 घंटे के आसपास का जो अनुभव रहा है एयर वॉरियर्स के साथ, वायुसैनिकों के साथ, वो निश्चित तौर पर एक भरोसा दिलाता है देशवासियों को और हमारे अंदर एक भरोसा कायम करता है कि हमारी सेनाएं किस मुश्किल हालात में देश की सुरक्षा के लिए तैनात हैं, और उसमें सभी लोगों का योगदान है, चाहे वो फाइटर पायलट हों, चाहे सैनिक जो इस वक्त चीनी सेना के सामने हैं, और खासतौर से इस वक्त जब 15 जून की घटना हुई, जब हमारे 20 सैनिक शहीद हुए और हमने भी चीनी सेना को एक बड़ा जवाब दिया, उसके बाद चाहे वायुसेना के पायलट हों या हमारे जो सैनिक हैं, उनको ऊपर से यानी कि सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, आर्मी कमांडर की तरफ से, सेना प्रमुख की तरफ से एक भरोसा है, एक उनको सीधी छूट है कि अगर चीन की तरफ से कोई भी हिमाकत चित्रा इस वक्त होती है तो वो बेखौफ होकर चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, और उसी की वानगी आज हमने अपनी इस रिपोर्ट के दौरान, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के दौरान देखा कि उनका जो उनके अंदर जो भरोसा है, उनके जो अंदर जो कॉन्फिडेंस है हथियारों को लेकर, अपने जहाजों को लेकर, वो बेमिसाल है। बुलंद भारत की ये शानदार तस्वीरें जो इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया मंजीत नेगी ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और आपको बधाई, आप पहले रिपोर्टर ऐसे रहे जो उस जगह पर पहुंचे, फॉरवर्ड पोस्ट जिस पर जाने की इजाजत बहुत मुश्किलों से मिलती है, और वहां से ये तस्वीरें मंजीत नेगी हमारे संवाददाता ने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है, बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। तो नरेंद्र मोदी के शब्दों में, जिन्होंने कल ही कहा था कि दरअसल शांति के लिए ताकत बहुत जरूरी है, और उसी ताकत की ये बड़ी तस्वीर इस वक्त आज तक पर आप देख रहे थे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुद्ध के संदेशों को भी सामने रखा। बौद्धों के धर्मचक्र दिवस पर प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में शांति के लिए उनके आदर्श बताए। प्रधानमंत्री एक दिन पहले अपने लद्दाख दौरे पर बांसुरीधारी और सुदर्शनधारी कृष्ण की बात कर शांति और पराक्रम का संदेश दे चुके हैं। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से तनाव बढ़ा चुके चीन से संकेतों में कह रहे हैं कि हम बुद्ध के रास्ते पर हैं, लेकिन युद्ध से घबराते नहीं हैं। हालांकि कांग्रेस चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने आज मोदी को राजधर्म निभाने की नसीहत दी है। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंध पूजा की हैं। लद्दाख के निमू की ये तस्वीरें आज सामने आई हैं। प्रधानमंत्री ने इन तस्वीरों पर लिखा है कि निमू में कल सिंध पूजा की, राष्ट्र में शांति, प्रगति और संपन्नता के लिए पूजा की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बौद्धों के धर्म चक्र दिवस पर वीडियो संदेश में कहा भी, द एट फोल्ड पाथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा शोज द वे टवर्ड्स द वेल बीइंग ऑफ मैनी सोसाइटीज एंड नेशंस। इट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपेशन एंड काइंडनेस। बुद्ध यानी शांति के मार्ग को सामने रखने वाले मोदी निमू में शांति की जरूरी शर्त भी सामने रख चुके हैं। शर्त होती। मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने चीन की कई हिमाकतों के बावजूद उसके साथ बेहतर संबंध बनाने और बॉर्डर विवाद पर भारत का पक्ष रखने की भरसक कोशिशें की हैं। इन्हीं कोशिशों के तहत वुहान से लेकर महाबलीपुरम तक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अनौपचारिक सम्मेलनों के साक्षी बने, लेकिन गलवान घटना से चीन ने अपनी सारी हदें लांघ दी हैं, तो प्रधानमंत्री ने भी मन बना लिया है, चीन को संकेत दे दिया है, बुद्ध का रास्ता चुने या युद्ध का रास्ता, मर्जी उसकी। ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। दिस इज ए डे टू रिमेंबर अवर गुरुज हु गेव अस नॉलेज।
इन दैट स्पिरिट वी पे होमेज टू लॉर्ड बुद्धा। चीन से तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी बुद्ध और युद्ध दोनों का तालमेल सामने रख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार सवाल कर रही है। कांग्रेस का दावा है कि चीन ने लद्दाख में जमीन छीन ली है और मोदी अब राजधर्म निभाए। ऑल पार्टी में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई चीन हमारे जमीन पे नहीं आया और ना आपने आज तक चीनियों को आंख दिखाई, लाल आंख दिखाई, तो अपना राजधर्म जो है ना, वो तो प्रधानमंत्री जी वक्त आ गया है कि अपना राजधर्म निभाइए और हमारी जमीन की। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी सैनिकों के साथ पूर्व प्रधानमंत्रियों नेहरू, शास्त्री, इंदिरा, राजीव और मनमोहन की तस्वीरें ट्वीट करके कहा है कि हर पीएम ने सदैव सेना से मिलकर उसका साहस बढ़ाया। पर सवाल ये है, पीएम मोदी देश की सरजमी से चीनी सेना का कब्जा कब छुड़वाएंगे? चीन को लाल आंख कब दिखाएंगे? चीन शब्द तक ना बोलने वाले मोदी जी चीन को मुंहतोड़ जवाब कब देंगे? वैसे कांग्रेस के सवाल अपनी जगह हैं, लेकिन मोदी के तेवरों पर चीन ने जोरदार प्रतिक्रिया दी है। पीएम ने लद्दाख में विस्तारवाद के युग की समाप्ति की बात की थी तो चीन ने दलील दी थी कि हम विस्तारवादी नहीं हैं। तो उधर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने डींगे हाकी हैं। चीनी सेना को हल्के में ना लें, चीन भारत से मजबूत है। चीनी भोपू ग्लोबल टाइम्स ने चीनी नौसेना का एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी साझा किया है, जिसमें दावा है दक्षिण चीन सागर, येलो सी और पूर्वी चीन सागर में चीन के दक्षिणी, उत्तरी और पूर्वी थिएटर कमांड ने युद्धाभ्यास किया। फ्रिगेट्स और मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स के साथ इस युद्धाभ्यास की तस्वीरें साझा की गई हैं। वैसे तो भारत का छोर चीन का वेस्टर्न थिएटर कमांड संभालता रहा है, लेकिन ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियोस से वो ये जताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी शक्ति अजेय है। लेकिन चीन के साम्राज्यवाद के खिलाफ कैसी हुंकार उठ चुकी है, ये न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से आई तस्वीरें साफ बता रही हैं। भारतीय अमेरिकी, ताइवानी अमेरिकी और तिब्बतियों ने वहां बायकॉट चीन का नारा बुलंद कर दिया। द नेकेड एग्रेशन ऑफ चाइना अगेंस्ट इट्स नेबर्स एंड इंडिया इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। Look, China wants to dominate the world. China wants to destroy USA. China wants to destroy India. But this time, their aggression, they have to pay a very, very heavy price. हम सब लोग यहाँ है कि अपना इंडियन भाई बहन लोग है, इसलिए हम लोग बॉर्डर की इशू और चाइनीज की गुड्स वगैरह वगैरह अभी तक चल रहा है, जब से 1959 से चल रहा है, हम लोग बोल रहे हैं चाइना लाई कर रहा है। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। हिंदुस्तान बुद्ध के रास्ते पर चलना चाहता है, लेकिन युद्ध से वो डरता नहीं। इन तस्वीरों के वही संकेत और संदेश थे। उधर अमेरिका ने परमाणु शक्ति से लैस अपने दो एयरक्राफ्ट करियर साउथ चाइना सी में भेज दिए हैं और चीन के साथ अमेरिका का तनाव अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। इसका विश्लेषण भी आज जरूरी है। आप देखिए कि चीन की गुंडागर्दी को रोकने के लिए अमेरिका किस तरह से घेरा डाल रहा है। समुद्र में ड्रैगन को फंसाने का जाल बिछाया जा रहा है। जैसे जैसे चीन हिंद और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में अपना बाहुबल बढ़ा रहा है, दूसरे देशों की संप्रभुता पर हमले कर रहा है, कूटनीतिक गुंडागर्दी कर रहा है, वैसे वैसे दुनिया इस बात पर आमादा हो गई है कि समुद्र में ड्रैगन को घेर लेंगे और उसकी ताकत का करारा जवाब देंगे। किनारे लगाना
जरूरत पड़ने पर ठिकाने लगाना इस वक्त विश्व कूटनीति का पसंदीदा विषय है। समंदर में चीन पर दबाव बनाने और जरूरत पड़ने पर वार करने के लिए अमेरिका ने अपने दो युद्धपोत यूएसएस रोनाल्ड रीगन और यूएसएस निमित्स को दक्षिण चीन सागर में तैनात किया है। इसके बाद से ही इस क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। ये दोनों युद्धपोत एयरक्राफ्ट करियर से उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमानों की स्ट्राइक करने की क्षमता का लगातार आकलन कर रहे हैं। ये आकलन चीन के सामने उसी के इलाके में हो रहा है। जाहिर है ऐसे में ड्रैगन पर दबाव बहुत बढ़ गया है। यूएसएस रोनाल्ड रीगन और यूएसएस निमित्स दोनों ही परमाणु शक्ति से लैस मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट करियर हैं। ये विशालकाय जहाज दुनिया के सबसे बड़े जहाजों में गिने जाते हैं और ये दोनों ही करीब 5,000 नौसैनिकों को ले जाने की क्षमता रखते हैं। अमेरिका साफ तौर पे कह रहा है कि चाइना को इंटरनेशनल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एज डिक्लेयर्ड बाय ट्रीटी ऑफ 1982 लॉ ऑफ द सीज उसके तहत काम करना पड़ेगा। किसी भी इंटरनेशनल नॉर्म को अगर वायलेट करेंगे तो चाइना को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही साथ वो चाइना को इशारा दे रहे हैं कि चाइना का ईस्टर्न कोस्ट जो है वो एक्सट्रीमली वल्नरेबल है और अगर चाइना कोई बड़ी कार्रवाई करता है हिंदुस्तान के खिलाफ तो चाइना की वल्नरेबिलिटी ईस्टर्न कोस्ट पे जो है उसको बड़ी एक्सप्लॉइट हो सकती है। परमाणु शक्ति से लैस युद्धपोतों की इस तैनाती से साफ होता है कि अमेरिका अपनी शक्ति चीन पर आजमाने के लिए तैयार है। इससे ये भी पता चलता है कि अमेरिका और चीन के बीच तनाव किस हद तक बढ़ चुका है। इस समय अमेरिका एक मौका ढूंढ रहा है जिससे वो चीन की ताकत और प्रभाव को धूल में मिला सके। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में ये युद्धाभ्यास ऐसे समय में शुरू किया है जब इसी इलाके में चीन की नौसेना भी युद्धाभ्यास कर रही है। 1 जुलाई से चीन की नौसेना अपनी सैन्य तैयारियों का प्रदर्शन करके ताइवान और दूसरे पड़ोसी देशों को धमकाने में जुटी। अमेरिका और दक्षिण एशिया में चीन की दादागिरी झेल रहे उसके मित्र देश इस अभ्यास पर एतराज जता चुके हैं। युद्धाभ्यास के दौरान चीन ने इस इलाके में नो एंट्री जोन बना दिया है जिसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। तो अब विश्व के देशों को समझना पड़ेगा जो स्थिति कितनी गंभीर है और ये सही वक्त है चीन को चुनौती देने के लिए, क्योंकि चीन जब देखता है कि शक्ति उसकी छीन हो रही है और दूसरे देशों के बनिस्पत उसकी जो शक्ति है वो कमज़ोर है तो वो घुटने टेकता है। चीन को घुटने टेकवाने की जरूरत है। सिर्फ लद्दाख ही नहीं, चीन ने पूरे एशिया में ऐसे कई मोर्चे खोल लिए हैं और हर मोर्चे पर तनाव बढ़ा रहा है। चीन ने वियतनाम से लेकर ताइवान तक हर पड़ोसी देश के साथ टकराव और तनाव बढ़ाया है। चीन की इन हरकतों के विरोध में फिलीपींस ने फ्रंट खोल दिया है। फिलीपींस ने चीन को चेतावनी देते हुए दक्षिण चीन सागर में अपना युद्धाभ्यास रोकने को कहा है। साउथ चाइना सी में ऐसे टकराव पिछले कुछ महीनों में बहुत बढ़ गए। इससे पहले अमेरिका ने अपने सैनिकों को यूरोप से हटाकर एशियाई देशों की तरफ भेजने का फैसला किया था ताकि भारत समेत एशिया में मौजूद अपने तमाम मित्र देशों की मदद कर सके। चीन जिस तरह से अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल टकराव बढ़ाने के लिए कर रहा है वो अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हो रहा। I certainly understand why India focuses on clashes along the line of control with China. It suggests that it's similar to other Chinese behavior in the South China Sea, where they have announced that the South China Sea is now a Chinese province. प्रधानमंत्री ने कहा था कि विस्तारवाद का दौर अब खत्म हो चुका है। इस बात से पीएम मोदी ने चीन की कमजोर नस दबा दी है। इस समय पूरी दुनिया चीन के खिलाफ एक साथ आ रही है। समीकरण बदल रहे हैं। चीन के दुश्मन आपस में दोस्ती कर रहे हैं और चीन की परेशानी यह है कि इस समय उसके दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा है।
ऐसे हालात में अमेरिका के परमाणु शक्ति वाले एयरक्राफ्ट करियर्स का दक्षिण चीन सागर में तैनात होना अपने आप में चीन के लिए शहमात जैसा है। आज तक ब्यूरो। दक्षिण चीन सागर में चीन की गुंडागर्दी हद से बाहर जा रही है। 2020 में कोरोना काल में भी चीन का विस्तारवादी प्लान पूरे जोर शोर से चल रहा है। 16 मार्च को ताइवान की पेट्रोल बोट्स को नुकसान पहुंचाया उसने। उसके बाद 11 अप्रैल को ताइवान की खाड़ी में युद्धाभ्यास किया। जून में ताइवान की हवाई सीमा में अपने लड़ाकू विमान चीन ने भेज दिए, जबकि इंडोनेशिया में भी अपने जहाज तैनात किए हैं। और इसी साल जनवरी में चीन ने इंडोनेशिया के मछली पालन क्षेत्र में अतिक्रमण किया था। 16 अप्रैल को चीन ने मलेशिया के क्षेत्र में अपना जहाज तैनात कर दिया है और इस तरह से लगातार अपने विस्तारवादी मंसूबों को अंजाम देने में चीन लगा हुआ है। दक्षिण चीन सागर में उसका गुंडागर्दी उसकी लगातार जारी है। चीन इस समय वैसे बड़ी मुसीबत में है, कोरोना वायरस पर पूरी दुनिया ने उसे घेरा हुआ है। ऐसे में कायदे से चीन को अपने दोस्तों को अपने पक्ष में रखना चाहिए, लेकिन चीन के लिए दोस्ती से बड़ी है उसकी भूख, और ये दूसरों की जमीन हड़पने की भूख है। चीन और रूस की दोस्ती जगजाहिर है। कोरोना संकट के इस दौर में रूस ने चीन पर खुलकर इल्जाम नहीं लगाए। पुतिन ने जिनपिंग और चीन को लेकर एक खास तरह की चुप्पी बनाए रखी, लेकिन चीन की विस्तारवादी भूख रूस की जमीन भी निगलना चाहती है। चीन ने रूस के व्लादिवोस्तोक शहर पर दावा किया है। रूस का यह शहर एक दौर में चीन के चिंग साम्राज्य का हिस्सा था। युद्ध में चीन को हराकर रूस ने इस शहर को अपने नियंत्रण में ले लिया। चीन ने 1860 में रूस के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए और व्लादिवोस्तोक रूस के हिस्से में चला गया। तब से यह शहर रूस का है, लेकिन अब इस दौर में चीन ने व्लादिवोस्तोक पर अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया है। चीन के सोशल मीडिया वाले योद्धाओं ने रूस के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। चीन में रूस के दूतावास ने वहां की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट वीबो पर एक सोशल मीडिया पोस्ट की, जिसमें व्लादिवोस्तोक के बारे में एक वीडियो था। इसके जवाब में चीन के सोशल मीडिया सेल वालों ने इतिहास की दुहाई देते हुए इस शहर को अपना बताना शुरू कर दिया और कहा कि ये उनका शहर है और इसका असली नाम है हाई शेनवाई। असल में रूस के दूतावास ने व्लादिवोस्तोक शहर को लेकर जश्न मनाया तो चीन के पुराने जख्म हरे हो गए और फिर चीन ने वही किया जिसमें वो एक्सपर्ट है। सामने चाहे कोई दोस्त ही क्यों ना हो, चीन के अंदर जमीन हड़पने की भूख कभी कम नहीं होती। सामरिक और कूटनीतिक दोस्ती और तरह तरह के समझौतों के बावजूद चीन ने रूस की कम से कम 1,60,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर दावा किया हुआ है। व्लादिवोस्तोक सिर्फ एक उदाहरण है। वैसे चीन के विस्तारवाद का वायरस कितना खतरनाक है ये आप खुद देखिए। चीन 20 से भी ज्यादा देशों की जमीन निगलने में लगा हुआ है। फिलीपींस में चीन स्प्रैटली द्वीप समूह पर अपना दावा करता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस दावे को खारिज कर चुका है, लेकिन चीन इन फैसलों का सम्मान नहीं करता। इंडोनेशिया के द्वीप समूह में चीन मछली पकड़ने के अधिकार का दावा करता है। मलेशिया के साथ चीन का विवाद है। मलेशिया के क्षेत्र में चीन ने जबरदस्ती अपने जहाज तैनात कर दिए थे। चीन इतिहास को आधार बनाकर लाओस के बड़े क्षेत्र पर अपना दावा करता है। कंबोडिया के हिस्सों पर भी चीन ने दावा किया हुआ है, जबकि थाईलैंड में मेकोंग नदी को लेकर चीन ने 2001 से विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। वियतनाम ने अपने द्वीपों पर चीन के दावों का सख्त विरोध किया है। पूर्वी चीन सागर में सेंकांकू और रियुक्या द्वीपों को लेकर चीन का जापान से विवाद है। चीन ने कई बार जापान के नौसैनिक जहाजों को अपना निशाना बनाया है। वहीं उत्तर कोरिया के साथ चीन माउंट पेकतू और तुमान नदी को लेकर उसका विवाद है। दक्षिण कोरिया के इकोनॉमिक जोन में चीन ने कुछ द्वीपों पर अपना दावा कर दिया है, जबकि इसके अलावा 1884 से ही चीन का तजाकिस्तान से विवाद है। कजाकिस्तान के 34,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चीन अपना दावा करता है। वहीं चीन पूरे किर्गिस्तान पर दावा करता है। 1999 में चीन ने किर्गिस्तान को अपनी 1,250 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को देने पर मजबूर किया था और भारत, नेपाल, भूटान, ताइवान, ब्रुनेई, मंगोलिया और सिंगापुर के साथ भी
चीन के सीमा विवाद है। तो इतने सारे देशों के साथ चीन का सीमा विवाद, लेकिन उसकी विस्तारवादी नीति लगातार जारी है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी विस्तारवाद पर चोट करते हुए विकासवाद का जिक्र किया था और कहा था कि जिसकी भी नीतियां विस्तारवादी रही हैं वो खत्म हो गया है। कांड का मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन अपने 8 साथियों की शहादत से बौखलाई कानपुर पुलिस आज विकास दुबे के ठिकाने पर टूट पड़ी और सालों साल से खड़े अपराध के साम्राज्य को एक झटके में मटियामेट कर दिया। लेकिन पुलिस वालों के इस नृशंस हत्याकांड में उंगलियां खुद पुलिस पर ही उठ रही हैं। जिस जेसीबी से विकास दुबे ने पुलिस वालों का रास्ता रोका था, उसी मशीन से उसके आपराधिक साम्राज्य का एक एक ईंट हिला दी गई। 8 पुलिस वालों की जान लेने वाला अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस बात की खींच आज सुबह से ही शुरू हुई पुलिस की कार्रवाई चीख चीख कर बयान कर रही थी। आज विकास दुबे के किलेनुमा घर में पहुंची पुलिस वालों की फौज ठान कर ही आई थी कि नीचे से ऊपर तक सब कुछ मिट्टी में मिला देना है। शुरुआत मकान से हुई। जेसीबी मशीन ने एक एक दीवार और छज्जे को उधेड़ कर रख दिया। 8 पुलिस वालों की हत्या का दोषी विकास दुबे पकड़ में कब आएगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन पुलिस की तफ्तीश उसको धर दबोचने की लगातार जारी है। इसी के साथ खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।